हे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैंने बाय करा है ट्रॉनिका का म्यूज़िक टावर स्पीकर, जो कि प्रॉपर DJ पर्पस से, हाई साउंड पर्पस से मैंने बाय करा है। मॉडल का नेम है ट्रॉनिका रिदम 3। रिदम 1-2 भी हैं ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि करीब 3600 रुपये से 3000-4000 रुपये के बीच का भी है। दो मॉडल इससे पहले के ये है जो मैंने बाय करा है, वो 4400 रुपये समथिंग का बाय करा है, सॉरी 4298 रुपये का बाय करा है, लेकिन ये मोस्टली कभी कभी 4400 रुपये समथिंग का ही आता है। तो गाइस, अनबॉक्सिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिए और आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे मत करो, अगर हटके जाने लड़के, तो गाइस ये इसके साथ मुझे मिला है एक रिमोट और एक ऑक्स केबल, जो कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में आपके लगेगी। और इसके पीछे के जो एक रेड कलर का है और वाइट कलर का है, जो इसके आप पीसी में लगा, इसके ट्रॉनिका के स्पीकर में लगा सकते हैं, जिससे कि ये कनेक्ट हो जाए। और ब्लूटूथ का ऑप्शन तो है ही, अगर मान लो किसी के लैपटॉप में ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं आता है, किसी के पीसी में, तो वो इस ऑक्स केबल के थ्रू ईज़िली इसको एक्सेस कर सकता है। और इसके साथ मुझे एक वायरलेस वो भी मिला है माइक, तो गाइस इसमें मैंने पेन ड्राइव लगा के देखी, लेकिन मेरी पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने दूसरी पेन ड्राइव लगाई थी। दूसरी पेन ड्राइव लगाने के बाद ये कनेक्ट हो गया था। तो गाइस USB चल रहा है, ब्लूटूथ चल रहा है। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका म्यूज़िक के साउंड का डेमो नहीं दिखाया है, तो इससे पहले मैं आपको इसका पहले माइक जो है उसकी, तो गाइस ये इसका माइक है, ये देखिए, ये वायरलेस माइक है जो कि बहुत बेहतरीन है लुक्स में भी। और यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, म्यूट ऑफ, अगर ऑन करना है तो इसको ऊपर कर दो ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करना है तो इसको नीचे कर दो। और बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बैटरी, और यहाँ से आप इसकी बैटरी डाल सकते हैं। इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलने के लिए आपको इसको यहाँ से, देखिए है क्या, ये देखिए, इसको ऐसे यहाँ से खोलना पड़ेगा, सेल बाय करने पड़ेंगे। सेल नहीं दिए हैं ट्रॉनिका ने इसके लिए, एक सेल यहाँ पे लग जाएगा, एक सेल यहाँ पे लग जाएगा, फिर इसको बंद करके आप इसको जब ऑन करेंगे, और इसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा,
इसका ये अपना ऑन हो जाएगा, यहाँ से आपको दिखने लग जाएगा इसका कलर आएगा। और जब ये ऑन हो जाएगा तो इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कनेक्ट आपको कैसे करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए आपको पहले, अभी तो बंद पड़ा हुआ है, इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। देखिए ये इसका रिमोट है, रिमोट में आपको क्या करना पड़ेगा, तो मोड मोड से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। FM tuner, ये FM line in, ये ऑक्स केबल का है, ये है माइक का, वायरलेस माइक का। फिर आप जब इसको ऑन करेंगे, माइक को ऑन करेंगे, तब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका ये हो गया, और अब हम आपको साउंड का डेमो दिखा देते हैं। कोई सा भी पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने टैबलेट को, अपने टैबलेट को कनेक्ट कर लेते हैं पहले इससे। टैबलेट का ब्लूटूथ ऑन है, एंड मोड मोड से हमने इसका कर दिया है, सक्सेसफुली हो गया है। अब हम कोई नो कॉपीराइट इशू का कोई गाना चला देते हैं। ये था इसका साउंड का डेमो, और मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा है। इस प्राइस रेंज में इतना बढ़िया आपके वूफर मिलता है, 8 इंच का वूफर है, 2 स्पीकर कनेक्टेड है इसमें, और लाइटिंग का सिस्टम भी बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर तो चेंज होती है, नीचे का चेंज नहीं होता है, लेकिन ऊपर का रेगुलर कंटिन्यू बेसिस पे कलर्स चेंज होते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। और आशा करता हूँ मुझे ये इन दी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना दे, और उसका रिव्यू में मैं काफ़ी टाइम बाद आपको 3-4 महीने तक यूज़ करके बता दूंगा ओवर यूज़ रिव्यू। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।